दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने चैनल टेदर ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में फुल मार्क्स लाने की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी आप ये सवाल करके आएंगे और फुल मार्क्स लाएंगे। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अलादीन एक गरीब लड़का था जिसे एक प्राचीन कब्र में एक पुराना चिराग मिला था। जैसे ही उसने उस चिराग को रगड़ना शुरू किया उसमें से एक भयानक जिन हाजिर हो गया। अब सवाल यह है कि अलादीन को क्या मिला था? अलादीन को चिराग मिला था, अलादीन को लैंप मिला था। बिल्कुल सही जवाब, आपने जैकपॉट जीत लिया है। दूसरा सवाल यह है कि अलादीन को चिराग कहां मिला था? अलादीन को चिराग एक पुरानी कब्र में मिला था। और तीसरा नंबर का और थर्ड नंबर का हमारा सवाल यह है कि क्या हुआ जब अलादीन ने उस चिराग को रगड़ना शुरू किया, उसमें से एक जिन प्रकट हो गया, उसमें से एक जिन हाजिर हो गया। अब आपने इन सवालों के जवाब क्यों दे दिए इतनी आसानी से? आपने इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही दे दिए, इसलिए कि मैंने ये पैसेज को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कराया था जिससे कि आपने सही जवाब हिंदी में ही दे दिए, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया था, क्योंकि हिंदी में हम कंफर्टेबल होते हैं। यही पैसेज यदि इंग्लिश में होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, आप उस पैसेज को छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपकी इंग्लिश वीक है। लेकिन इंग्लिश आपकी कमजोर होने के बाद भी आप पैसेज को सोल्व कर पाएंगे, उसमें से पूरे पूरे मार्क्स लेकर आ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे रूल्स बताने वाला हूं, अगर उन रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो उस रूल्स से आप पैसेज को सोल्व कर पाएंगे और पैसेज में पूरे पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए हम जानते हैं उन रूल्स के बारे में, कौन से रूल्स है, वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, उसके सही सही आंसर दे सकते हैं। ये सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंसर वर्ड का ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये जो कॉम्प्रिहेंसर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो कॉम्प्रिहेंसर वर्ड है ये इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंड से बना हुआ है, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। जी जब इसका मतलब समझना होता है तो अनसीन पैसेज का मतलब समझना होता है, तो फिर उसके लिए कि हमें ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, कि हमें एडजेक्टिव पता होना चाहिए, टेंस पता होना चाहिए, वॉइस पता होना चाहिए। क्या जो एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है इस पैसेज के जरिए? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, जी आपकी समझ कितनी है, आप इससे क्या समझते हैं, आप इसका क्या सेंस निकाल पाते हैं। जो पैसेज आपको दिया गया है उसमें आपकी समझ को परखा जाता है कि आपकी जो आईक्यू लेवल है वो कितना है और आप इससे क्या समझ पाते हैं। इसलिए पैसेज को सॉल्व करने के मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स बता रहा हूं, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके पैसेज में फुल मार्क्स आएंगे, कोई भी मार्क्स आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हमारा फर्स्ट ट्रिक है क्वेश्चन वर्ड के आधार पर आंसर देना। जी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज में, उसी के बेस पर उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। किस तरीके से आंसर दिया जाएगा सबसे पहले समझ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हीं को WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है, जिसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, इनको हम WH फैमिली वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बेस पर इसके आधार पर आंसर देना है। वो कैसे करना है? नंबर फर्स्ट है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो जब भी व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर कोई निर्जीव वस्तु, कोई सलाह या फिर कोई विचार हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जब भी व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर कोई भी समय सूचक शब्द हो सकता है। जी हां, व्हेन का मतलब होता है कब। तो जब व्हेन से क्वेश्चन आपके पैसेज में पूछा जाता है तो ऑब्वियसली इसका आंसर कोई समय सूचक शब्द ही होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। तो जब वेयर से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर कोई स्थान सूचक शब्द, कोई प्लेस होता है। जी हां गाइस, यदि वेयर से क्वेश्चन आता है तो जान लीजिए कि आपके आंसर में कहीं ना कहीं कोई प्लेस का नाम, कोई स्थान सूचक शब्द जरूर ही आता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हु। हु का मतलब होता है कौन। तो जब हु से क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर किसी व्यक्ति का नाम जो कि सब्जेक्ट के रूप में होता है। जी हां, जब हु से क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें आपको किसी ना किसी व्यक्ति का नाम बताना होता है जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है होम। होम का आंसर भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो होम का मतलब होता है किसे या किसको, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन इसमें भी किसी ना किसी व्यक्ति का नाम, किसी ना किसी पर्सन का नेम जरूर आपको बताना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। जब भी हुज से क्वेश्चन आए तो इसका आंसर कोई संबंध कारक नाउन होता है। जी हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके होता है। तो इसलिए जब भी हुज से क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर कोई ना कोई संबंध कारक नाउन ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। तो जब व्हाई से क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर कोई ना कोई कारण बताने वाला भाग होता है जो बिकॉज या फोर से जुड़ा होता है। क्योंकि व्हाई जब क्यों होता है तो आंसर में क्योंकि आता है, उस क्योंकि को हम बिकॉज से यूज करते हैं या फिर फोर से यूज करते हैं। तो इसका आंसर कोई ना कोई कारण बताने वाला, कोई ना कोई रीजन बताने वाला भाग होता है, लेकिन जो कि बिकॉज या फिर फोर से कनेक्ट होता है, फोर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। तो इसका आंसर कोई पशु, पक्षी या कोई निर्जीव वस्तु होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ। जब हाउ से क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर कोई ना कोई विधि बताने वाला भाग होता है। जी कोई ना कोई तरीका बताने वाला, कोई ना कोई विधि बताने वाला भाग होता है जब हाउ से क्वेश्चन होता है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ मेनी। और हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, जिसको हम यूज करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। तो हाउ मेनी से जब क्वेश्चन हो तो इसका आंसर कोई ना कोई संख्या बताने वाला शब्द होता है, कोई ना कोई संख्यावाचक शब्द होता है जिसको काउंट किया जाता है, जिसको गिनती में एक दो तीन करके बताया जाता है। तो
याद रखिए यदि पैसिव में क्वेश्चन में आपका हाउ मेनी आता है तो हाउ मेनी के आंसर में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड बता देना है जिसको गिना जा सकता है, जिसको एक दो दिन करके बताया जा सकता है, वही उसका आंसर होता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ मच, और हाउ मच का मतलब ही होता है कितना। तो इसका आंसर होता है कोई ना कोई मात्रा बताने वाला शब्द। जब हाउ मच से यूज किया जाए, हाउ मच से क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑब्वियसली उसके आंसर में कोई ना कोई मात्रा बताने वाला शब्द होता है, जैसे कि वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, नॉलेज है, ये आपका आंसर हो सकता है पैसेज में। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन वर्ड जिनके आधार पर आपको आंसर दे देना है। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन वर्ड को बता दिया है कि क्वेश्चन वर्ड्स के आधार पर आपको किस तरीके से आंसर को सर्च कर लेना है, किस तरीके से आंसर आपको पैसेज में फाइंड करके बता देना है। जो विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें क्या पूछा जाता है देखिए मैं आपको बता दूं। एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होते हैं। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी वर्ड को मिस कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। तो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप उस पैसेज को रीड करके उसमें से आंसर को फाइंड आउट करके इजीली बता सकते हैं। इसके अलावा आपके सिमिलर वर्ड पूछे जा सकते हैं, मतलब जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं, या फिर अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, या फिर वो आपसे कहते हैं कि किसी वर्ड का वर्ड फॉर्मेशन करके आप बताइए कि उस वर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, या फिर उसकी एडवर्ब क्या होगा, या फिर उसकी वर्ब क्या होगी, या फिर नाउन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में यदि कोई नाउन दिया होता है तो आंसर में आपको उसका प्रोनाउन मिलता है, पैसेज में आपको उसका प्रोनाउन मिलता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि यदि कोई नाउन किसी पर्सन का नेम है, किसी मेल का नेम है, तो उसके आंसर में उसके प्रोनाउन आपको मिलेगा जो कि ही होता है। इसी तरह से कोई फीमेल का नेम है तो वहां पे आपको पैसेज में शी जरूर देखने को मिलेगा। इसी तरह से कोई प्लूरल वर्ड है जैसे कि बॉयज है, गर्ल्स है, तो वहां पे आपको उसके आंसर में आपको दे देखने को मिलेगा जो कि इसका प्रोनाउन होता है। इसी तरह से कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो होता है इट। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे आपको गलती नहीं करना है। तो आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन में जो नाउन पूछा जा रहा है तो आपको उसका प्रोनाउन पैसेज में इजीली तरीके से मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इजीली आप उनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके वोकैबुलरी पे, क्योंकि वोकैबुलरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ड की नाउन फॉर्म क्या है, उसकी एडजेक्टिव क्या है, या फिर उसका एडवर्ब क्या है, और कोई वर्ड का एंटोनिम्स क्या होता है, या फिर उसका सिनोनिम्स क्या होगा। ये नॉलेज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका बेसिक नॉलेज है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। के बाद जो हमारी लास्ट ट्रिक और जो लास्ट रूल है वो ये है कि पैसेज को रीड करना नहीं, वही नहीं करना है आपको, पैसेज रीड नहीं करना है। स्टेट सबसे पहले आपको पैसेज को रीड नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। जी, क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके आंसर आपको पैसेज में फाइंड करना, इजीली तरीके से आपको उस क्वेश्चन के आंसर पैसेज में मिल जाएंगे, उसके बाद आपको पैसेज को रीड करना है। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं कि सबसे पहले वो दो तीन बार उस पैसेज को रीड करने बैठ जाते हैं, जिसमें वो अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये गलती को रिपीट नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उस पैसेज के क्वेश्चन को रीड करना है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेना है, और फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में देख लेना है। इजीली तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो आपको यही करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उसके आंसर आपको उस पैसेज में फाइंड करना है, उसके बाद आपको पैसेज को रीड करना है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पैसेज के आंसर देना है, क्वेश्चन वर्ड के आधार पर आंसर किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं आप बता सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम एक पैसेज को सोल्व करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आप टाइम को सेव कर सकते हैं, और टाइम को सेव करने के बाद आप दिए गए पैसेज के आंसर दे सकते हैं और पैसेज में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक पैसेज को ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम सबसे पहले इस पैसेज के क्वेश्चंस को रीड करेंगे, इसके बाद इसके आंसर्स को हम इस पैसेज में फाइंड करेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके रूल में बताया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जमशेदजी टाटा वांटेड टू मेक टेक्सटाइल्स इन ब्लैंक विद द कॉटन ग्रोन देयर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सपोज आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपको इतना तो समझ में आया कि यहाँ पे जो ब्लैंक है, अब ब्लैंक में कोई ना कोई वर्ड जो मिस है, उस वर्ड को आपको यहाँ पे पैसेज में फाइंड करना है। लेकिन पहले आपको यहाँ पे ऑप्शंस देख लेना है, जी हाँ, और ऑप्शन देखने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो मिस है। ठीक है, तो हम करते क्या है, देखिए यहाँ पे टेक्सटाइल इन, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं पैसेज में, और पैसेज को मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अब हम यहाँ से रीड करते हैं, जमशेद जी टाटा वॉन्टेड टू मेक टेक्सटाइल्स इन, इसके बाद देखिए नागपुर, जी हाँ नागपुर, यहाँ पे जो वर्ड है ये आएगा। अब यहाँ पे हम इसके ऑप्शन में देख लेते हैं कि नागपुर दिया है कि नहीं दिया, हम यहाँ पे देखते हैं, पहले में दिया बॉम्बे, दूसरे में नागपुर, तीसरे में कोल्हापुर, और थर्ड में दिया औरंगाबाद। तो बिल्कुल यहाँ पे नागपुर दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वर्ड मिस था। जी हाँ, जमशेद जी टाटा वॉन्टेड टू मेक टेक्सटाइल्स इन नागपुर। अब आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं भी आती, लेकिन आपने यहाँ पे ये देखा कि जो वर्ड मिस था उस वर्ड को आपने पैसेज में फाइंड किया, और उस वर्ड को आपने यहाँ पर राइट आंसर बता दिया, जिससे कि ये जो सेंटेंस था ये कंप्लीट हो गया इजीली तरीके से, हमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो कि हमारा नागपुर था। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन को रीड करने के बाद इसका भी आंसर हम फाइंड करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जमशेदी वाज टोल्ड दैट टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री कुड नॉट बी बिल्ट बिकॉज।
ओके। अब यहाँ पर भी आपको इस लाइन को रीड करने के बाद, अब आपको पैसेज को रीड करना, पैसेज को रीड करने के बाद देखना है कि ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका हो सकता है। ओके चलिए अब हम आ जाते हैं, ये हमें आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ठीक है। अब हम आते हैं इस पैसेज में, और पैसेज को मैं थोड़ा सा यू क्लियर सेट कर देता हूँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ऊपर से ही रीड करते हुए जाएंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको स्टार्टिंग के जो वन टू स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको सिंपली आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ से ही आंसर को फाइंड करने की कोशिश करना है, जिस तरह से आपको ये जो नागपुर आंसर था ये आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन में ही मिल गया था, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसके बाद से रीड करते जाएंगे, नागपुर रेड नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनचेस्टर जमशेद जी वॉज टोल्ड, देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा जैसे मुझे भी दिख रहा है जमशेद जी ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहां से देखिए जमशेद जी, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ओके। यहां पे जमशेद जी वॉज टोल्ड दैट नागपुर वेदर वॉज नॉट सुटेबल एज इट वॉज टू ड्राई, देखिए जमशेद जी वॉज टोल्ड दैट नागपुर वेदर वॉज नॉट सुटेबल एज इट टू ड्राई ठीक है। ये लाइन आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसको हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं कि ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया। द वेदर एट नागपुर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, द वेदर एट नागपुर वॉज टू ड्राई, टेक्निकल एबिलिटी इज नॉट इन इंडिया, द प्रोड्यूस कुड नॉट बी सोल्ड, टाटा विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल रहा है द वेदर एट नागपुर वॉज टू ड्राई, और यहाँ पर भी इट वॉज टू ड्राई। तो इतना भी आपको समझ में आ गया तो आप राइट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि नागपुर वेदर यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ था, तो इससे आप आंसर को दे पाएंगे, आंसर के करीब पहुँच पाएंगे। तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको क्लियर समझ में आ गया द वेदर एट नागपुर वॉज टू ड्राई ओके। अब आपने इसका ट्रांसलेशन नहीं भी किया तो भी आपने इसका आंसर बता दिया है ओके। चलिए अब हम रीड करते हैं इसके क्वेश्चन थर्ड को, इसके आंसर को फिर फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन थर्ड है, टाटा डिड नॉट मैनेज टू मेक स्टील रेल्स एंड एक्सपोर्ट देम टू ओके। अब यहाँ पे आपको मेन वर्ड को क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना एक्सपोर्ट ओके, एक्सपोर्ट, और टाटा मैनेज स्टील रेल्स एक्सपोर्ट टाइम टू, किसको एक्सपोर्ट किया, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है। लेकिन पहले आप यहाँ पे आ जाइए पैसेज में, और पैसेज में हम यहाँ पे आकर इसके आंसर को फाइंड करते हैं ओके। तो हम ऊपर से आंसर को फाइंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे से आ रहे थे, यहाँ पे ये सेकंड तक हो गया, तो इसके बाद ऑल राइट यहाँ पे हम देखते हुए ऊपर से, तो जमशेद जी स्टार्टेड आयरन स्टील कंपनी एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मिल रहा है, एक्सपोर्ट वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील रेल्स टू ब्रिटेन, जी हाँ ब्रिटेन, बिल्कुल हमने सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे देख लिया, क्योंकि जो लाइन क्वेश्चन में दी गई थी टाटा आयरन स्टील कंपनी एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील रेल्स टू ब्रिटेन। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ब्रिटेन है कि नहीं है ओके। हम यहाँ पे आ जाते हैं पैसेज के क्वेश्चन पे, और अब हम देखते हैं ऑप्शन में यूएसए, जापान है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, बिल्कुल आपको राइट आंसर यहाँ पे ब्रिटेन मिल जाएगा ऑप्शन में, यही हमारा सही जवाब होगा, हमारा राइट आंसर होगा ब्रिटेन बिल्कुल ओके। स्ट्रेट सिंपली आप भी इसको फाइंड करते जा रहे होंगे, बिल्कुल आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पैसेज मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, इस तरीके से आपके और भी पैसेज पूछे जाते हैं, आपको सिंपली आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आपको ट्रिक को फॉलो करना है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। तो ये हमारा आंसर हो गया ब्रिटेन थर्ड नंबर का ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर को रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फोर है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फोर है, जमशेद जी वॉज डिनाइड एंट्री टू मैजेस्टिक होटल इन मुंबई बिकॉज ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि जमशेद जी वॉज डिनाइड एंट्री द मैजेस्टिक होटल में, उनको एंटर करने से, प्रवेश करने से मना कर दिया था, क्योंकि अब क्योंकि ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे हैं, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, पर्याप्त पैसा नहीं था, ही वॉज एन इंडियन, क्योंकि वे एक भारतीय थे, ही वॉज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं थे, इट वॉज ओनली फॉर द यूरोपियन सिटीजन, वो सिर्फ यूरोपियन सिटीजन के लिए था ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फोर है, तो अब हम इसको रीड करेंगे और इसके आंसर को यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ से ऊपर से लेके आपको यहाँ पे आंसर को फाइंड करते आना है ठीक है। तो ऊपर से जब आएंगे फर्स्ट में, सेकंड पैराग्राफ में, अब आपको यहाँ पे कुछ देखना है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे ढूंढना होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बिकॉज ही वॉज इन इंडियन, यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है जी, देखिए आप ओके ऊपर से रीड करेंगे, आप जब ऊपर से रीड करते आएंगे तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि इस तरह की बात यहाँ पे कहाँ दी गई है, और देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऊपर से आप जहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे, सम टुक फॉरेन विजिटर टू मैजेस्टिक होटल इन मुंबई बट ही वॉज डिनाइड बिकॉज ही वॉज एन इंडियन, यहाँ पे अपन सेट कर लेते हैं ही वॉज एन
इंडियन, ओके ये यहाँ पे देखिए ही वॉज एन इंडियन क्योंकि वो एक भारतीय था। अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं तो ऑप्शन में भी हमें यहाँ पे सेकंड नंबर मिल जाएगा ही वॉज एन इंडियन, ओके ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमें इसका राइट आंसर मिल गया ही वॉज एन इंडियन, ओके ये हमारा क्वेश्चन फोर का हमें थर्ड नंबर का ऑप्शन मिल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन हमारा फाइव है टाटा इंपोर्टेड टू स्टार्ट इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल मिल 1874। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको इजीली मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ऊपर से फाइंड करते आना है। तो देखिए हम ऊपर से फाइंड करते आएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए ऊपर से ही हम फाइंड करेंगे तो ऊपर से देखेंगे ही इम्पोर्टेड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ह्यूमिडिफायर्स, ओके इस तरह से आपको जो वर्ड मिला स्टार्ट इंडिया फर्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट देखना थी इसलिए मैंने इसको जल्दी ढूंढा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको डायरेक्टली आंसर पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या ट्रिक करी है, मैंने ट्रिक ये करी कि क्वेश्चन में देखिए 1874 डेट दी गई थी और डेट आप इजीली तरीके से देखेंगे कि जब आप टारगेट जो फोकस करेंगे डेट का तो डेट आपको जल्दी मिल जाती है। जब मैंने 1874 डेट देखी तो जब पूरे सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमिडिफायर्स यहाँ पे मिल गया ये वर्ड। अब हम इसको आंसर में देख लेते हैं, बिल्कुल आपको आंसर में मिल जाएगा ये रहा ये आंसर, ओके तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपको ऑप्शन जो दिए हैं उनमें भी ये आपको दिया है वर्ड, ओके तो ह्यूमिडिफायर्स ये हमारा ऑप्शन में भी दिया गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा फिफ्थ का राइट आंसर था फर्स्ट नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन सिक्स के बारे में। देखिए क्वेश्चन सिक्स में आपसे क्या पूछा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको आपको क्लियर दिखें, थोड़ी सी पिक क्लियर नहीं आई लेकिन फिर भी मैं आपको रीड करके बताता जा रहा हूँ तो आपको परेशान नहीं होना है। गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का अपोजिट, देखिए इतना तो आप लोग जानते होंगे, इतनी वॉकैब तो आपकी अच्छी होगी वॉकैबुलरी कि इम्पोर्ट मतलब होता है आयात करना, तो इसको हम इसका क्या पूछा है आपसे, अपोजिट पूछा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट, क्योंकि ये बात अभी यहाँ क्वेश्चन में भी तो पूछी गई थी, क्वेश्चन में भी यूज़ हुई है ये वर्ड, तो इंपोर्ट का क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है निर्यात आयात का निर्यात। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एंट्रेंस, तो एंट्रेंस मतलब प्रवेश होता है तो इसकी वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी एंट्री, ये इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पूछा है आपसे नेक्स्ट वर्ड पूछा है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट की नाउन फॉर्म सिंपली आपको ट्रांसलेशन बता देना है, ट्रांसले टी आई ओ एन, ओके चलो मैं इसको और यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ तो जिससे पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन, ओके ट्रांसलेशन ये ट्रांसलेट की नाउन फॉर्म, वो नाउन फॉर्म जो होती है ना ज़्यादातर उसमें टी आई ओ एन लगा होता है, जैसे परमिट की परमिशन, एडमिट की एडमिशन, इस तरह से नाउन फॉर्म हो जाती है, तो सिंपली आपको बता देना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट डिड जमशेदजी से when he was told that Nagpur's weather was not suitable for stabilizing a textile mill, okay तो जमशेद जी ने क्या कहा, तो देखिए अब ये लाइन को आपने समझ लिया देख लिया, आपको ये देखना है कि जमशेद जी ने क्या कहा होगा नागपुर वेदर, तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर नाइन है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आपको आंसर यहाँ पे ढूंढ लेना है पैसेज में ही, तो देखिए पैसेज में आपको बहुत सिंपली तरीके से मिल जाएगा, हम ऊपर से देखेंगे तो देखिए मैं ऊपर से रीड करते जाऊँगा, नागपुर से वेदर वॉज नॉट सुटेबल एज इट वॉज टू ड्राई ही सेड, ऐसा दिख रहा है मुझे, ही सेड ऑल राइट आई विल ब्रिंग मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। ये देखिए ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया डिटेल में आंसर, ये आपके क्वेश्चन जो नाइन था, नाइन का आंसर आपको ही सेड ऑल राइट आई विल ब्रिंग मैनचेस्टर्स वेदर टू नागपुर, ओके उन्होंने ऐसा कहा था कि ठीक है जो नागपुर का जो वेदर है, मैनचेस्टर का जो वेदर है वो नागपुर में लेके आ जाऊंगा, ओके ये इसका राइट आंसर होगा नाइन का। अब देख लेते हैं हमारा टेन नंबर का क्वेश्चन, टेन नंबर में पूछा गया है व्हाट जमशेद जी डू व्हेन ही वॉज डिनाइड एंट्री टू द मैजेस्टिक होटल, ओके तो उस मैजेस्टिक होटल में एंट्री करने से उनको मना किया गया, तो तब उन्होंने जमशेद जी ने क्या किया, आपको इसका आंसर बता देना है क्वेश्चन टेन का। तो अब आपको ऊपर से रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा, इस आंसर को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस आंसर को दे पाएंगे। तो जमशेद जी ने क्या किया तो ऊपर से आप देखते आएंगे, क्योंकि जब आप इतना रीड कर चुके तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ मिल सकता है आंसर, तो मैं यहाँ से ऊपर से रीड जाऊँगा, क्योंकि अभी हमने एक चीज़ क्वेश्चन को देखा था इंडियन थे इसलिए उनको उस होटल में जाने से रोका गया था क्योंकि ही वॉज एन इंडियन। इसके बाद देखिए जमशेद जी सिंपली रिजोल्व टू बिल्ड ए होटल दैट वॉज इवन फाइनर एंड विच डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स एंड रेस, तो यहाँ से देखिए मुझे मिल रहा है जमशेद जी सिंपली से लेकर ये आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जी हाँ और यही इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ जमशेद जी सिंपली रिजोल्व टू बिल्ड ए होटल दैट वॉज इवन फाइनर एंड विच डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस, ओके तो जमशेद जी ने उससे अच्छी एक होटल बनाई थी और उस होटल में किसी तरह से भेदभाव जात को लेकर कलर को ले
लेकर, लोगों के रंग को लेकर नहीं किया गया था। इसके आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाता था, क्योंकि इनके साथ भेदभाव किया गया था। उसके जवाब में इन्होंने उससे अच्छी होटल एक बना दी थी। ओके, तो ये थी जमशेद जी की कहानी। इस स्टोरी में हमने यहाँ पे इस स्टोरी को भी समझ लिया और साथ में हमने इसके आंसर को भी समझ लिया। तो ये एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है किसी भी पैसेज के आंसर को फाइंड करने का, जो मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे उसी के बेस पर हमने यहाँ पे इसके आंसर को सिंपली सॉल्व कर लिया है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चन वर्ड के आधार पर भी आप आंसर दे पाएंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वेन करके क्वेश्चन पूछता है तो आंसर में उसमें कोई डेट दी गई होगी, कोई टाइम दिया गया होगा, ऐसे समय सूचक वाली बात होगी, हाउ मेनी में कोई नंबर्स पूछे जा सकते हैं, कितने साल या कितने मंथ कितने ईयर, इस तरह से कोई भी नंबर्स पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सिंपली क्वेश्चन होंगे तो उनके आंसर आप दे पाएंगे। और बाकी एंटोनिम मैंने आपको बताए और सिनोनिम्स आपको बता दिए हैं। इस तरीके जो क्वेश्चन सिंपली पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको देना है पैसेज में। इस अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करते हैं तो पूरे पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स आप लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप नए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।